मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मैनपुरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों की तपोस्थली, शूरवीरों की कर्मभूमि जनपद मैनपुरी की ऊर्जावान जनता का ये उत्साह बता रहा है कि यहां इस बार हर बूथ पर सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी को समाजवाद नहीं, रामराज्य चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राज्य चाहिए, राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाता है। यहां जाति के लिए नहीं, क्षेत्र, मत और मजहब के लिए नहीं, सबका साथ और सबके विकास के वास्तविक भाव के साथ जो कार्य कर सके वही राम राज्य का उदार और उदात्त भाव है। और उस भाव के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है, 5 दिसंबर को जब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, अपने अपने बूथ को संभालते हुए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुनाथ सिंह साक्य और कमल के चुनाव चिन्ह को ध्यान में रख करके जोरदार तरीके से ईवीएम का बटन दबाइए और चुनाव की जीतने की गारंटी पा